अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास, हाउ आर यू ऑल। टुडे योर टॉपिक इज़ द मून फ्रॉम द टेक्स्ट बुक पेज नंबर 39। टुडे आई विल एक्सप्लेन यू द पोएम। इन द पोएम द मून बाय आर एल स्टीवसन, द मून इज पर्सोनिफाइड। इन दिस पोएम वी कैन से दैट द मून इज पर्सोनिफाइड विद एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी। ओके, पर्सोनिफाइड। इट कैन बी एसोसिएटेड विद द मून गॉडेस हरसेल्फ हू लाइक्स टू वॉच द क्रिएचर्स ऑफ अर्थ साइलेंटली फ्रॉम फार अबव। इसमें हम कह रहे हैं मून को एक गॉडेस के साथ भी कंपेयर करते हैं, करती है कि जैसे वो अपने आप को हर चीज़ से अबव है और वो हम पर बैठ के अपने तमाम लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। द मून इज़ कम्पेयर टू द शेप ऑफ अ राउंड क्लॉक ऑन द वॉल। और इस पोएम में जो पोइटस है वो उस मून को एक क्लॉक के साथ कंपेयर करती है। जस्ट लाइक द क्लॉक डिटरमिन्स द टाइम, द मून सिग्निफाइज द नाइट टाइम। जैसे जो है क्लॉक एक टाइम को बताती है, उसको सिग्निफाई करती है, इसी तरह जो मून है वो हमारे पास नाइट टाइम को सिग्निफाई करता है। शी स्पेक्टेट्स द थीव्स स्टीलिंग एट नाइट एंड द बर्ड्स ऑन ट्रीज। ओके, वो नाइट टाइम की डिस्क्रिप्शन बताती है। द स्क्वीलिंग ऑफ द कैट एंड द स्क्वीकिंग ऑफ द माउस विद द हाउलिंग डॉग क्रिएट्स अ शार्प कॉन्ट्रास्ट ऑफ द साइलेंस ऑफ द नाइट। अब हर तरफ खामोशी है, सब लोग सो रहे हैं, पर लेकिन बर्ड्स की आवाज़ें, कैट की स्क्वेलिंग, स्पीकिंग ऑफ द माउस, उसकी क्राय, डॉग की हाउलिंग, वो तमाम जो है उसकी साइलेंस, उनका शोर और रात के साइलेंस को आपस में वो कंट्रास्ट करती है। द चिल्ड्रन एंड द फ्लावर्स आर स्लीप एज इफ दे आर डिनाइंग द मून्स ब्यूटी एंड नाइट, वेयर एज द एनिमल्स सीम टू लाइक टू स्पेंड द नाइट अंडर द मून लाइट। और वो कह रहे हैं कि जहाँ चिल्ड्रन और फ्लावर्स हैं वो सो रहे हैं, ऐसा जैसे कि वो मून की ब्यूटी को डिनाई कर रहे हैं। बट ऑन दी अदर हैंड जो एनिमल्स हैं वो अपने आप को मून की लाइट के अंडर रहना पसंद कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वी विल डू वर्ड्स मीनिंग्स ऑन योर नोटबुक, बट फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू हियर। द फर्स्ट वर्ड इज कडल, टू होल्ड समबॉडी फॉर कम्फर्ट। ओके, किसी को पकड़ना अपने कम्फर्ट के लिए, किसी को होल्ड करना। वे अ प्लेटफॉर्म दैट रन्स अलोंग द एज ऑफ अ पोर्ट, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि पोर्ट के एज पर हो। स्क्वेलिंग, मेकिंग ए नॉइसी डिस्टर्बेंस, शोर। ठीक है, नॉइसी कहते हैं शोर, तो कोई ऐसी साउंड जिससे आप डिस्टर्बेंस क्रिएट हो। हाउलिंग, प्रोड्यूसिंग अ लॉन्ग डोलफुल क्राई, डोलफुल मीन्स सैडनेस। ओके, एक सैड क्राई। स्क्वीकिंग, हाई पिच साउंड और क्राई, बहुत हाई साउंड और या फिर क्राई। स्टूडेंट्स, दीज वर्ड्स मीनिंग्स आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन द पोर्टल। थैंक यू वेरी मच क्लास।